परेशान नहीं हो और ये पूरा मुंबई शहर सुबह आराम से घर से निकले और रात में आराम से घर पे आए। मैं आप सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो टूवर्ड्स रोड ट्रैफिक के ऊपर कुछ प्लीज। गुड इवनिंग एवरीवन। सबसे पहले तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ करता कि मुझे मौका दिया इस रोड सेफ्टी वीक की अवेयरनेस का हिस्सा बनने के लिए। बहुत अच्छा लगा। आप वही पूछ रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि प्रोफेशनल एक्टर्स हुआ एक्चुअल पुलिस वाले हो, तो जब आप इतना अच्छा काम करते हो और अवेयरनेस लेकर आते हो तो बहुत कमेंडेबल हो। आप एक्चुअली हमारे हीरोज हो, यू नो, आपकी जो आप इतना अच्छा काम करते हो जिसके कारण आज हम इतनी सेफली रोड पर ट्रैवल कर सकते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है, सब लोग जानते हैं कि सीट बेल्ट पहनना बहुत जरूरी है। सब लोग जानते हैं कि जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग से उस पर चलना बहुत जरूरी है। सब लोग जानते हैं कि गाड़ी धीरे चलाना बहुत जरूरी है। सब लोग जानते हैं कि बिना ड्रिंक किए आपको गाड़ी चलाना जरूरी है। लेकिन हम लोग कितने लोग हैं जो इस चीज़ को एक्चुअली फॉलो करते हैं, या अपने दोस्तों को या अपने फैमिली वालों को हम लोग ये हम लोगों को बोलते हैं कि आप इस चीज़ को फॉलो करो। मेरे बड़े सारे दोस्त हैं जो हमेशा जब गाड़ी पर बैठते हैं सीट बेल्ट पहले पीछे से लगा लेते हैं। उनके पास एक छोटा सा क्लिप होता है जो क्लिप साउंड ना करे इसलिए उसमें लगा लेते हैं, लेकिन वो सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे। सीट बेल्ट आप अपनी खुद की सेफ्टी के लिए, जब हम लोग बाहर जाते हैं दूसरे देशों में जाते हैं तो हम सबको रूल्स फॉलो करते हैं। सीट बेल्ट भी लगाएंगे, गाड़ी धीमे भी चलाएंगे, लेन्स भी क्रॉस नहीं करेंगे। लेकिन जब हम अपने देश में आते हैं तो हम लोग सीट बेल्ट भी नहीं लगाना चाहते, हम लोग लेन्स भी गलत क्रॉस करेंगे, हम ड्रिंक करके भी गाड़ी चलाएंगे, हम लोग दूसरे एक्सीडेंट्स होते हैं रोड पर, हम उन्हें हेल्प भी नहीं करेंगे। लेकिन सिर्फ सेल्फीज, जैसा आप सबने बताया, जब सेल्फीज खींच के आगे जाते हैं। बहुत जरूरी है कि हम लोग अपने दोस्त को, अपने फैमिली फ्रेंड्स को, हर एक बच्चे को ये लेसन जरूर देंगे, जो जिंदगी है वो सिर्फ आपकी नहीं, आपके परिवार वालों के, जो आपका घर पे इंतजार कर रहे हैं। हम अक्सर गाड़ियों में जाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि दो तीन बच्चे ट्रिपल सीट पर बैठे होते हैं, बड़ी तेज़ी से आपके पास से निकलते हैं और एकदम मैनुअल करते हुए गाड़ियों से निकलते हैं। हमें डर लगता है कि कहीं बाई चांस अगर गाड़ी स्किड हो जाए या कुछ एक्सीडेंट हो जाए तो जो परिवार वाले अपने बच्चों का शाम को इंतजार कर रहे हैं, जो एक ड्राइवर जो एक जो राइड कर रहा है उसके कारण जो पीछे वालों का दो वालों की जिंदगी जो खतरे में उसने डाली है वो नहीं होनी चाहिए। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम लोग उन्हें जाए धोके समझाएं। मुझे, मैं अपने छोटा सा किस्सा बता रहा हूँ, कुछ महीने पहले की बात है कि मैं मेरी फ्लाईओवर पर आ रहा था, बड़ी तेज़ी से एक गाड़ी ने टेक ओवर किया और जैसे ही टेक ओवर किया और गाड़ी एकदम साइड पर टकराई, बच के उन्होंने जो ब्रेक ब्रेक निकाली और बच्चे फटाफट बाहर निकले। मैंने उनके पास जाकर बोला, जैसे उन्होंने मुझे देखा गाड़ी से बाहर निकल गया तो उन्होंने एकदम थोड़े खड़ा से देखे, उन्होंने बोला कि बच्चे ऐसे कि ये जिंदगी जो आप उस गाड़ी में लेकर जा रहे हो ये आपकी नहीं, ये आपके परिवार वालों की, आपके माता पिता की जिंदगी है, आप उसके लिए ध्यान रखें। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप अवेयरनेस हर रोज अपने बच्चों को दें। खासकर मैं अपने बेटे को भी बोलता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप गाड़ी चलाते हैं तो ना सिर्फ आपकी ज़िंदगी इंपॉर्टेंट है लेकिन हर रोड पे जो चल रहा है, जो वॉकिंग के लिए सुबह निकला है घर से, जो घर से अपना काम खत्म करके शाम को घर जाने वाला, उसकी ज़िंदगी। लेकिन गलती सिर्फ एक की होती है और पूरा परिवार जो है वो ज़िंदगी भर उस चीज़ का अफसोस बनाता रहता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है इस अवेयरनेस को करें और बड़े शुक्रगुजार हैं हम लोग और बड़े खुशकिस्मत हैं कि हमारे साथ इतना कमाल का परिवार है, सर है, सब पूरा पूरी टीम है। इस अवेयरनेस के लिए सिर्फ एक ही का अवेयरनेस नहीं होना चाहिए, 365 डेज करना चाहिए। साथ में ये अवेयरनेस देते हैं और बाकी में जो 350 दिन है वो आप अवेयरनेस देते रहिए ताकि हमारी जो रोड्स हैं सेफ हो सके, हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए और दूसरों के परिवार वालों के लिए। सो आई एम ग्लैड सर, थैंक यू सो मच। ये सबको पता है सिर्फ लेकिन फॉलो करना, थैंक यू सो मच।